हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इशिताज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ब्राउनी कस्टर्ड पुडिंग की रेसिपी लेकर आई हूं, जो बहुत ही यम्मी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने ब्राउनीज ले रखे हैं, आप कोई भी ब्राउनीज ले सकते हैं। इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। कस्टर्ड के लिए मैंने एक ग्लास दूध ले रखा है और एक थोड़ा सा हाफ बाउल से भी कम ये कस्टर्ड ले रखा है। वेनिला कस्टर्ड है ये देखिए, आप कोई भी कस्टर्ड यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वेनिला कस्टर्ड ही लगेगा। यहाँ मैंने एक सॉस पैन चढ़ा दी है, इसमें मैं ये दूध ऐड करूँगी और दूध में मैं 4 टेबल स्पून शुगर ऐड करूँगी और अभी हम इसमें एक बॉयल आने देंगे। और इधर कस्टर्ड में थोड़ा सा मिल्क ऐड करके हम इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। ये देखिए, दूध में बॉयल आ गया था। अब मैं इसमें ये कस्टर्ड भी डाल दूंगी और इसे हम चलाते रहेंगे। अभी मैंने फ्लेम लो कर दिया है। इस स्टेज पे मैं गैस ऑफ करती हूँ क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये और गाढ़ा होता जाएगा। ये देखिए, इसे हमें और थोड़ी देर चलाएंगे गैस ऑफ करने के बाद भी। अभी हम इसे ठंडा होने देते हैं और जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है तब तक मैं थोड़े से ब्राउनीज को ऐसे हाथ से क्रस्ट कर लूंगी, यूं इस तरीके से। कस्टर्ड हमारा उतना ठंडा हो चुका है जितना हमें ठंडा चाहिए और ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहेगी, आप देख सकते हैं। और इधर मैंने एक ग्लास ले रखा है, इसी में हम इसको असेंबल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। मैं ग्लास में पहले ब्राउनीज के पीसेस जो मैंने कट कर रखे हैं इन्हें अच्छे से लगा दूंगी। अब इसके ऊपर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे और अभी फिर से हम इसके ऊपर एक लेयर ब्राउनीज की और लगाएंगे। ये देखिए, देन फिर कस्टर्ड ऐड करेंगे, फिर से ब्राउनीज लगाएंगे, ये आपके ग्लास के साइज पर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी लेयर्स इसमें लगानी है। और अगेन फिर कस्टर्ड ऐड करेंगे। हमें कस्टर्ड को बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है क्योंकि ये जितना ठंडा हो जाएगा उतना ही गाढ़ा होता जाएगा और फिर इसको असेंबल करना मुश्किल हो जाएगा। और अब ये हो गया है, ऊपर तक आ गया है। अब मैं ये जो मैंने ब्राउनीज को क्रस्ट करके रखा था उसे मैं इसके ऊपर इस तरीके से ऐड कर दूंगी। ये देखिए, ये रेडी हो गया है। इसी तरीके से एक ग्लास और रेडी करती हूँ मैं। ये देखिए, उतनी क्वांटिटी में मेरे 2 ग्लास रेडी हो चुके हैं और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। 4 से 5 घंटे फ्रिज में रखने के बाद ये अच्छे से ठंडा हो गया है और ये रेडी हो गया है और ये बहुत यम्मी लगता है। आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।